किस्सा होगा चंद्रहास का मौका हवाला वहां से कि चंद्रहास की माँ बचपन में ही मर गई। छोटा सा था, ढाई माँ ने उसका पालन पोषण किया। चंद्रहास बड़ा हो गया, पिछली बातें याद आने लगी कि जिसने तेरा पालन पोषण किया वो तेरी असली माँ नहीं है। पूछने लगा कि माँ ये दुनिया सब तुझे ढाई माँ कहती है, ये बता कि मेरी असली माँ कौन है। तो ढाई माँ ने कहने लगी बेटा ये सच्चाई है कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन असली माँ मैं ही तेरी हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कितनी औरत हैं जिन्होंने एक बेटे का पालन पोषण नहीं किया लेकिन माँ का दर्जा पाया। किस किस ने, आइए सुनते हैं। हे रे बाल न बको सकता हो, हर की ठीक निगाहों से और जन्म देनी अगर मरे तो पालरिया बिनाओं से, पालरिया बिनाओं से
और इस रागनी पे खुशी होकर आदरणीय घमंडी लाल जी बागनकी से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय धर्मवीर सिंह जी सूबेदार वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चाचा बलजीत यादव जी धानी शंकर वाली से अपना प्यार हमेशा देते हैं हम बच्चों को, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार इस लागने पर खुशी होकर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये 1500 रुपए आए हैं हमारी आंटी जी के, छोटी आंटी जी के और हमारी माता जी के, एक बार तालियां बजा दो, इतना प्यार इतना आशीर्वाद दिया। कहा कि महाभारत के अंदर कुंती को पांचों पांडवों की माँ कहा जाता है, जबकि कुंती के सिर्फ 3 पुत्र थे, 2 पुत्र माद्री के थे, लेकिन उन दोनों बेटों को भी पाला पोसा, माँ का प्यार दिया रानी कुंती ने, तो कुंती पुत्र ही कहा जाता है। कैसे कहा जाता है क्या बताना चाहेगा? कहलाते हैं